हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन का। कैसा आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 64 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरे अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 17 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का भी सेम है, 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के मामले में देखें तो दोनों का इक्वली परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पे पंजाब किंग्स 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे दिल्ली कैपिटल्स 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ज़्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहाँ पे पंजाब किंग्स का 40% देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का भी 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 178 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 151 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 214 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 188 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 143 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 128 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। बर्तन चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो क्लाउड्स एंड सन रहने वाली, यानी मौसम थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। वहीं अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 23.6 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 22% रहेगी, वहीं 25% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 9 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। वहीं अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करते तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैट चूज करी है तो काफ़ी अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं इस पिच पे। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस पिच पे, अगर जो भी टीम चेस कर रही है। इस पिच का अगर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 170-175 में भी रन जा सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी रन इस पिच पे कम सकती है। तो टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है कि जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करे। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें, नो डाउट स्टार्टअप भी अच्छा था, बट पिच में बीच में गड़बड़ा गई। तो पंजाब किंग्स की बैटिंग और बॉलिंग का कम्बिनेशन देखें तो थोड़ा सा मिला जुला के ठीक ही आगे चल रही है। अगर क्वालिफाई करने की बात करें तो यह टीम क्वालिफाई से बाहर हो चुकी है। वहीं अगर दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है, बट ये भी क्वालिफाई से बाहर हो चुकी है। तो दोनों टीम बाहर हो गई है। यह मैच खेले जाएगा दोनों के बीच में, जो काफ़ी अच्छा होने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त, तो आप लोग जोर दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटिक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो शिखर धवन, जितेश शर्मा, लाइम लिविंग स्टोन, सैम करन। वहीं दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स के की प्लेयर की बात करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, ललित यादव। तो ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से अब सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।